हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइमर 2 के सीटीसी मोड को देखेंगे। सीटीसी मोड को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए नॉर्मल मोड के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता नॉर्मल मोड क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो आप इससे प्रीवियस जो दो तीन वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी एक्चुअली कैसे आपका नॉर्मल मोड काम करता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सीटीसी का मतलब है क्लियर टाइमर ऑन कंपेयर। तो सीटीसी मोड में हम लोग एक 8 बिट के रजिस्टर को यूज़ करते हैं जिसका नाम OCR2 है, और इस रजिस्टर के थ्रू हम लोग बेसिकली अपने टाइमर काउंटर 2 के रिजोल्यूशन को मैन्यूपुलेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, आप OCR2 में अपनी कुछ वैल्यूज़ डालेंगे 8 बिट की, और जो भी वैल्यू आप वहाँ पर डालेंगे वो वैल्यू हम लोगों के टाइमर काउंटर 2 की टॉप वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने टाइमर काउंटर 2 के रिजोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब सीटीसी मोड में जब भी आप लोगों के टाइमर काउंटर 2 की वैल्यू या फिर TC and T2 की वैल्यू इक्वल होगी OCR2 रजिस्टर के, उस कंडीशन में हम लोगों का जो टाइमर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वो वहाँ पर से क्लियर होके ज़ीरो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझिए, हम लोगों का जो नॉर्मल मोड है उसमें TC and T2 की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती थी और 255 तक रीच होती थी, और 255 रीच होने के बाद अगेन वो 0 आती थी। तो ये आप लोगों का था नॉर्मल मोड। बट सीटीसी मोड में बेसिकली होगा क्या, हम लोग एक OCR2 रजिस्टर लेते हैं जिसमें आप लोग अपने 8 बिट के डेटा को स्टोर करेंगे, मतलब कि आपका जो वैल्यू है OCR2 में 0 से 255 के बीच ही हो सकती है। नाउ सपोज अगर आप यहां पर वैल्यू 127 दे देंगे, तो यहां पर होगा क्या, आपका जो टाइमर काउंटर है वो 0 से स्टार्ट होगा, और अगेन यहाँ पर क्या है, आपका जो भी वैल्यू आपके टाइमर काउंटर की होगी वो कंपेयर होती रहेगी OCR2 रजिस्टर से। अब जैसे ही आपके काउंटर की वैल्यू 127 हो जाएगी, उस कंडीशन में हम लोगों का यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो मैच कर जाएगा, क्योंकि आपकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं। तो इस केस में हम लोगों का जो टाइमर है 127 वैल्यू पहुँचते ही अगेन रिसेट होके ज़ीरो हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हम लोगों का जो नॉर्मल मोड है उसमें जो रिजोल्यूशन था वो 255 का था, मतलब कि 255 के बाद आपकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो रही थी। बट इन सीटीसी मोड हम लोगों का यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है वो कम हो गया है, तो आपका जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर 127 हो चुका है। सो यही हम लोगों के सीटीसी मोड का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट, इस मोड के थ्रू हम लोग कंपेयर मैच आउटपुट फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही आप लोगों का इस मोड के थ्रू जो एक्सटर्नल इवेंट काउंटिंग होता है वो भी काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नॉर्मल मोड और सीटीसी मोड के बीच में डिफरेंस को समझते हैं इस एनिमेशन से। यहाँ पर ये बेसिकली हम लोगों का नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में आपका जो टीसी एंड टी2 है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और हर एक क्लॉक पल्स के साथ आपकी ये जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, और जैसे ही आपकी ये वैल्यू 255 रीच करेगी 0 से, वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो टाइमर काउंटर है वो ओवरफ्लो होगा और टीसी एंड टी2 की वैल्यू 255 से 0 हो जाएगी। तो ये हम लोगों का नॉर्मल मोड है। इसके बाद हम लोग सीटीसी मोड को समझ लेते हैं। सीटीसी मोड के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक OCR2 रजिस्टर होता है, और इस रजिस्टर में आपको 8 बिट का डेटा देना पड़ता है। नाउ सपोज हम लोगों ने OCR2 में वैल्यू 127 डाल दी, तो यहाँ पर होगा क्या, आप लोगों का जो टीसी एंड टी2 है उसका रिजोल्यूशन कम हो जाएगा। इसका रिजोल्यूशन बेसिकली 0 से 227 तक रह जाएगा, और इसके बाद जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर क्लॉक पल्स देंगे वैसे ही हम लोगों की वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती रहेंगी, और टीसी एंड टी2 की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते रहेंगे OCR2 की वैल्यू से। और जैसे ही आप लोगों के यहाँ पर OCR2 की वैल्यू 127 हो जाएगी, वैसे ही हम लोगों का जो टीसी एंड टी2 है वो अगेन ओवरफ्लो कर जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है आप लोगों के नॉर्मल मोड और सीटीसी मोड में। नेक्स्ट, अगर सीटीसी मोड के थ्रू आप लोग यहां पर वेव फॉर्म्स को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सीटीसी मोड में अगर आप लोग यहां पर वेव फॉर्म्स को जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो OC2 आउटपुट पिन है
उसको टॉगल मोड में डालना पड़ेगा। इसको टॉगल मोड में डालने के लिए हम लोगों के पास TCCR2 रजिस्टर में कुछ बिट्स होती हैं, ये बेसिकली आपकी COM20 और TU1 बिट्स होती हैं। तो आपको यहाँ पर COM20 जो बिट है इसको 1 करना होगा। ये करते ही आप लोगों का जो OC2 आउटपुट पिन है वो टॉगल मोड में चली जाएगी। और आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, जब तक आप लोग OC2 या फिर आप कह सकते हैं PB3 पिन को आउटपुट डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का जो OC2 पिन है उसके थ्रू कोई भी वेवफॉर्म जनरेट नहीं होती है। तो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर DDR-B रजिस्टर के थ्रू अपने PB3 पिन को एज आउटपुट पिन डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, DDR-B को डिफाइन करने से पहले आप लोगों ने OC2 पिन के मोड को यहाँ पर डिफाइन करना होगा। मतलब कि पहले आप लोगों ने अपने OC2 पिन के मोड को डिफाइन करना है। अगर आप उसको टॉगल मोड में यूज़ कर रहे हैं तो टॉगल मोड के करस्पॉन्डिंग आपने TCCR2 में अपनी वैल्यूज़ देनी होंगी, या जो भी मोड आप यूज़ करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर अपने TCCR2 रजिस्टर में वैल्यूज़ देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने OC2 पिन को एज आउटपुट पिन डिफाइन करना होगा DDR-B रजिस्टर के थ्रू। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पहले आप लोग DDR के थ्रू अपने इस पिन को आउटपुट डिफाइन कर लें और उसके बाद अपने OC2 पिन के मोड को बताएं। पहले आप लोगों ने मोड बताना है और उसके बाद उसको आउटपुट डिफाइन करना है। नेक्स्ट, CTC मोड के थ्रू जो भी वेवफॉर्म आप यहाँ पर जनरेट करेंगे, अगर आपको उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हम लोगों का जो n है वो बेसिकली आप लोगों का प्री स्केलर है। जो भी प्री स्केलर आप लोग सेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डिपेंड करेगी आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है और OCR2 में आपने कितनी वैल्यू डाली है। और CTC मोड के थ्रू जब आप लोग वेवफॉर्म जनरेट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब होगी जब आप लोग OCR2 रजिस्टर में वैल्यू 0 सेट रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने CTC मोड में अपने इंटरप्ट को समझना है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने टाइमर काउंटर 2 के नॉर्मल मोड में एक इंटरप्ट को देखा था, वो बेसिकली हम लोगों का टाइमर काउंटर 2 ओवरफ्लो इंटरप्ट था। और सेम ऐसे ही हम लोगों का यहाँ पर CTC मोड में भी एक इंटरप्ट मिलता है, इसको हम लोग आउटपुट कंपेयर मैच इंटरप्ट बोलते हैं। और जब भी आप लोगों के यहाँ पर TCA and T2 की वैल्यू इक्वल होती है OCR2 रजिस्टर के, तो इस कंडीशन में बेसिकली हम लोगों का ये इंटरप्ट इनेबल होता है। और इसके इनेबल होने से हम लोगों का जो TIFR रजिस्टर है उसकी एक बिट होती है OCF2 फ्लैग बिट। तो जैसे ही आपका यहाँ पर इंटरप्ट यहाँ इनेबल होगा या फिर ट्रिगर होगा, वैसे ही हम लोगों का ये जो बिट है वो सेट हो जाती है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर ग्लोबल इंटरप्ट को भी इनेबल किया है, लोकल इंटरप्ट को भी इनेबल किया है, तो आप लोग ISR के थ्रू अपनी जो टॉप वैल्यू होती है, मतलब कि आपके जो OCR2 में वैल्यू होती है, उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देनी है। देखिए, जब भी आप लोग यहाँ पर OCR2 की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप लोगों के OCR2 की वैल्यू TCA and T2 की करंट वैल्यू से लोअर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में बेसिकली होगा क्या, सपोज कीजिए ये हम लोगों का टाइमर काउंटर रजिस्टर है या फिर आप कह सकते हैं TCA and T2 है और यहाँ पर आपका OCR2 है। नाउ सपोज आप लोगों का जो टाइमर है वो 128 में पहुँचा हुआ है, और अगर आप इस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू अपनी 100 अपडेट करेंगे तो होगा क्या, ये आप लोगों का 128 के बाद पूरा 255 तक जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब ये 100 पे पहुंचेगा तब जाके आप लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब आप OCR2 की वैल्यू को अपडेट करें तो आपके जो TCA and T2 की वैल्यू है वो OCR2 में जो वैल्यू आप डाल रहे हैं उससे लेस हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर यही है कि आप OCR2 की जो वैल्यू है उसको इंटरप्ट के थ्रू ही अपडेट करें, क्योंकि जब भी हम लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच इंटरप्ट ट्रिगर होता है उस कंडीशन में हम लोगों के जो टॉप वैल्यू है वो टॉप से एकदम बॉटम में आ जाती है, मतलब कि TCA and T2 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके TCA and T2 की वैल्यू 0 है तो ये एक मिनिमम वैल्यू है, तो इसके हिसाब से आप लोग OCR2 में कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग CTC मोड को इस ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर है वो आपका TCCR2 रजिस्टर है।
इस रजिस्टर के थ्रू बेसिकली हम लोग अपने प्री स्केलर्स को सेट करेंगे, हम अपने टाइमर के मोड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो OC2 पिन है इसके मोड को भी आप लोग इस रजिस्टर के थ्रू ही सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर TCN T2 रजिस्टर है, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी 0 होती है, और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर OCR2 रजिस्टर में भी यहाँ पर कुछ वैल्यूज देनी पड़ती हैं। सपोज ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 100 दी है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे जैसे आपके यहाँ पर क्लॉक पल्सेज आएंगी वैसे हम लोगों का यहाँ पर TCN T2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, ये वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, और जब भी आपके यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन भी करते रहेंगे अपने OCR2 रजिस्टर से। तो इनिशियली आप लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच नहीं होगा, जैसे जैसे आपके यहाँ पर TCN T2 की वैल्यू 100 रीच करेगी वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो मैच हो जाएगा। कंपैरिजन मैच होते ही हम लोगों का यहाँ पर एक सिग्नल मिलेगा वेवफॉर्म जनरेटर को, और इसके थ्रू हम लोगों का जो वेवफॉर्म जनरेटर है यहाँ पर एक वेवफॉर्म को जनरेट कर देगा। और जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर आउटपुट कंपेयर मैच होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया कि आप इंटरप्ट को भी ट्रिगर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है OCR2 में आप जो वैल्यू है वो 255 से हमेशा बिलो ही रखेंगे, तो आपका यहाँ पर ये कंपैरिजन कभी भी मैच नहीं होगा। और सेकेंडली हम लोगों का CTC मोड में जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हमेशा रहती है, तो आप लोग यहाँ पर 0 वाले से भी कंपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आप चाहें तो टाइमिंग डायग्राम देख सकते हैं CTC मोड का। यहाँ पर ये हम लोगों का TCN T2 रजिस्टर है जो इनिशियली यहाँ पर 0 होगा, और इसकी जो वैल्यूज हैं क्लॉक पल्सेस के साथ इंक्रीज होती रहेंगी। और यहाँ पर ये जो बेसिकली है ये हम लोगों का टॉप है टाइमर का, मतलब कि OCR2 में जो भी आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे वही आपका यहाँ पर टॉप होता है। तो सपोज आपने OCR2 में यहाँ पर वैल्यू 127 डाली है, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर TCN T2 की वैल्यू 127 होगी तो कंपैरिजन यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर जो इंटरप्ट है वो ट्रिगर होगा, और इस इंटरप्ट के थ्रू आप चाहें तो अपने OCR की जो वैल्यूज़ हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर जैसे ही आपका 127 वैल्यू होती है तो टाइमर जो है वो ओवरफ्लो होकर अगेन 0 आएगा, और जैसे ही आपका यहाँ पर ओवरफ्लो होगा वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर वेवफॉर्म भी जनरेट होगी। अगर आपने यहाँ पर टॉगल मोड में रखा है तो आपके जो इनिशियली वैल्यू अगर 0 थी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद अगेन हमारे TCN T2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, और अगेन हम लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच होगा तो आपका इंटरप्ट जनरेट होगा, और चाहे तो आप यहाँ पर अपना जो OCR2 की वैल्यू है उसको अपडेट कर सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फिर से आप लोग अपने जो वेवफॉर्म है उसको टॉगल कर देंगे, तो इनिशियली अगर वो हाई है तो वो लो हो जाएगी। फिर से यहाँ पर आप लोगों का कंपैरिजन मैच होते ही यहाँ पर जो आपकी वेवफॉर्म थी वो टॉगल होगी, मतलब 0 से वो अगेन 1 हो जाएगी, और चाहे तो आप लोग यहाँ पर अपने जो OCR की वैल्यू है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी अपडेशन नहीं किया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम लोगों का ये वाला इंटरप्ट जनरेट हुआ है वैसे हम लोगों ने OCR2 की वैल्यू जो है उसको डिक्रीज कर दिया है। अब ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर डिक्रीज करेंगे वैसे ही हम लोगों का जो टाइमर है वो अब कम टाइम में ही ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि आपके जो OCR2 की वैल्यू है वो कम हो चुकी है, तो आपका जो टाइमर काउंटर है उसका रिजोल्यूशन भी कम हो चुका होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगेन आपका यहाँ पर कंपैरिजन मैच होगा, कंपैरिजन मैच होते ही आप इसको टॉगल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे आपका यहाँ पर रिजोल्यूशन कम हुआ वैसे ही आप लोगों का जो पल्स है उसकी विड्थ भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वैसे अगेन हमारा यहाँ पर जो है ये इंटरप्ट आ रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन मैच हो रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों की जो वेवफॉर्म है वो भी हाई और लो हो रही है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CTC मोड के करस्पॉन्डिंग अपने रजिस्टर्स को सेट करना सीखेंगे। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।